ये जबरीली है और जो अपडेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जबरीली के बारे में तो नहीं है पर रिलेटेड है। ये तो मैं चलते चलते देख लिया इसको, यहाँ कोई नहीं इसकी हेल्प करने वाला। अंदर चला गया, यहाँ खाया हुआ इसको, उसको उठा के मैंने रख दिया क्योंकि इसके पास बिल्कुल वो नहीं था ना, पावर नहीं था इसके पास, तो मैंने इसको उठा के रख दिया। तो ये इसका वूंड है, इसके वूंड में फिर ये मिला हमारे को, बहुत गंदा है, इसको मक्खियाँ लग चुकी है, मैं हल्दी तो लेके आया हूँ इसको। ये मेरे को बोला था स्पेशली उन्होंने ना, कि बोला कि अगर हल्दी है पास में तो वो लगा दो, तो ये लगवा दी है मैंने। यहाँ हो गया ना आस पास, है ना, तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पे भी नहीं है, बैठा यही है ना। हाँ हम लेके आ रहे हैं सामान, ठीक है सर। मर तो नहीं गए, हाँ ये इस पे भी किया था ना इसने, क्योंकि ये एक्चुअली इसको किए कुत्तों ने अटैक है, यहाँ पे जो आपस के स्ट्रीट डॉग जो होते हैं ना, तभी इसको वूंड हुआ है, किसी ने मारा मोरा तो है नहीं। डॉग बाइट, मेरे को तो डॉग बाइट ही लग रही है, शॉक में है, आंख धंसी है अंदर बिल्कुल, देख के देख आगे ढूंढ रहे हैं, ओल्ड डॉग है, डिहाइड्रेटेड भी है। इसको पेनकिलर देंगे पर अभी एंटीबायोटिक्स हम थोड़ा इसको नॉर्मल स्टेबल कंडीशन में आने लगा तभी देंगे, क्योंकि एकदम से अगर हमने दिया तो फिर वो थोड़ा शॉक कंडीशन ज़्यादा। मेरे ख्याल से आप सही सोच रहे हो कि इसका एंटीबायोटिक हमें कल से शुरू करना चाहिए, तो अभी हमें ध्यान रखना कि और ज़्यादा एग्रेवेट ना हो, तो थोड़ा डिहाइड्रेशन स्टॉप करने के लिए हमें इसको फ्रूट तो देना ही पड़ेगा। रात इसको टर्न कर दो ना, क्योंकि शेर हमने वहाँ की है बाजी, क्योंकि इसकी फ्रूट थेरेपी भी होनी है ना अभी, तो ठीक है। बच्चे इसके रेस्क्यूअर ने भी और हमारी टीम ने भी इसको बचाने की पूरी कोशिश तो करी, पर ये हमारे यहाँ बहुत देर से पहुंचा था, इन्फेक्शन इसके पूरे शरीर में फैल गया था और अगले दिन सुबह तक ये खत्म हो गया। अब इस समय हमारे क्लिनिक में भी इन्फेक्शन फैला हुआ है और जिन पपीज के अडॉप्शन में देरी हो रही है, हर रोज इनकी जान पे खतरा बढ़ता जा रहा है। अब हमारी अडॉप्शन बढ़नी तो शुरू हुई है, हमारी जो 3 किटन्स आई हुई थी उनमें से 1 किटन अडॉप्ट हो चुकी है, अभी भी 2 किटन्स अडॉप्शन के लिए वेट कर रही है। और हमारे एक अडॉप्ट हुई है, इस पे फोकस करते हैं। ये 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 वाली है सबसे ज्यादा नॉटी, सबसे ज्यादा ये ओके देन आई थिंक आई विल टेक दिस वन। अच्छा अब इसको खो जा रहे तो इसमें देन चूज अ गए ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा है ये, तीनों को मैंने देखा ही थी इसलिए हम लोग श्योर थे कि अबैंडन ही है ये। बहुत वो नहीं है ऐसे दीवा किस्म की थोड़ी सी चाल ही उसके एकदम। कौन कर रहा है पारी? गुड गर्ल ये कर रही है या शी इज लाइक दिस, इसको बड़ा समझ में आ गया ना अडॉप्शन हो गई करके। उनको स्क्रैच करना बहुत पसंद है ना, तो फर्नीचर ना स्क्रैच करे, इसके लिए अमेज़न के बॉक्सेस आते होंगे ना घर में, जस्ट कीप इट लाइंग अराउंड। ये देखो ये ऐसे ही करती रहेगी फिर बेड पे या आपके कपड़ों पे, एंड दिस विल बी एवरीवेयर। चले ओके ओके हाय थैंक यू सो मच वेलकम। और कहते हैं ना प्रकृति को खाली जगह पसंद नहीं है, ज्योति ने एक बिल्ली भेजी और राधा एक डॉग ले आई। ना सुबह जब मैं यहाँ पे तो देखा वॉशरूम में एक डॉग बैठा था, ये बाहर निकाल रहे हैं इसको, पर ये निकल रहा है और आवाजें निकाल रहा है, मतलब ना हो सकता है किसी का निकल आया हो या छूट गया हो, या इसको इंजरी भी है काफी। पूंछ कट गई है वो देखो पूरा ये काटा हुआ। स्वान है? कुत्ते ने पूंछ काट दी, अब ये तो भगवान जाने किसने काटते हैं। इसके टेल में मैगट वुंड है और उसकी वजह से उसकी टेल कट भी गई है, उसके आई में कॉर्नियल अल्सर जैसा लग रहा है, लेकिन पहले हम उसके मैगट वुंड की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसके
आई का जो इशू है वो हम उसको रूल आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेडिकेशन अब हमने उसकी भी अभी से स्टार्ट कर दी। और इसी रेस्क्यू के बाद उसको एक और डॉग दिख गया। वैसे तो कहते हैं ना कि कुछ एक्स्ट्रा मिले तो अच्छा लगता है, पर मुझे नहीं पता कि रेस्क्यूज के केस में क्या ये बात एप्लीकेबल है क्या। जैसे कैंसर की बीमारी होती है वैसे ही है उसको। हाँ, एक लंगड़े को हमने चेक करना है, बट उसके उसको ढूंढ रही थी उसके चक्कर में वो दिख गई है मेरे को ना, तो उसको पिन क्रिस्टल छोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो इसकी कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। तुम मुझे वो लीश दे दो, पर ये रेस्क्यू हमारी पेंडिंग लिस्ट में तो चला गया है, जैसे ही हम एक बार फिर से रेस्क्यूज करना शुरू करते हैं तब हम इसे जरूर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। और एक बात और, आपने देखा होगा राधा ने ग्लूकोज बिस्किट खरीदे हैं। अब हमारा प्रोटोकॉल ये है कि हम यहाँ से डॉग ट्रीट्स ले जाते हैं, पर राधा उस दिन भूल गई थी। पर प्लीज़ आप डॉग्स को ग्लूकोज बिस्किट्स मत दीजिएगा, दे आर रियली हार्मफुल फॉर डॉग्स। मैशी हो गया हुआ था, उसके बाल जैसे जो डेड बाल होते हैं ना वो थे। स्टॉप, मैं बोला खड़ा हो जा, कुछ क्यों हो रही है कोरी, कुछ कुछ कोरी मेरे लड़के। इधर फिर बाल काटने आ रहे, तूने इसको परेशान किया ना, बोल मेरे पास नहा के उसके वो फिर ग्रूमिंग कर दी हम लोगों ने ताकि वो थोड़ा साफ सुथरा दिखे। समटाइम कि वो अचानक कुछ लोग आ जाते हैं तो वो एकदम से अग्रेसिव हो जाता है, पता नहीं डर रहा है कि क्या है, बट कुछ तो इशू है उसमें थोड़ा सा, तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ये तो एक बाल भी नहीं काट रही। अब रातों रात तो इसका बिहेवियर ऐसा हुआ नहीं होगा। जब इसके बिहेवियर इशू शुरू हुए थे तब अगर इसकी फैमिली इस चीज़ पे वर्क करना शुरू कर देती, इस पे ध्यान देती, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। हाँ एब्सोल्युटली, पर मुझे कई बार लगता है कि जिन चीज़ों का हमारा बिहेवियर इशू बता दिया गया होता है उन दिनों जस्ट हमारा मूड अच्छा नहीं चल रहा होता, और अगर हम शेव करते हैं, स्पा डे लेते हैं तो हम थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। तो अब जैसे हमने इसको भी नहलाया है, धुलाया है, इसके बाल काटे हैं या बाल काटने की कोशिश करी है, तो ये भी बहुत जल्द शायद बेहतर महसूस करे। कोशिश कर, फिंगर्स क्रॉस। इसके भी इंजेक्शन फाइनली हमको मिल गए ना, सिस्प्लैटिन जो हम ढूंढ रहे थे। यस, कितना टाइम लगा हमें? फिर 4 हफ्ते कम से कम लगे ना, मान लेते हैं। लेकिन हाँ, बहुत दिक्कत तो आई सर, नहीं मिल रही थी हम लोगों को, लेकिन अभी मिल गई है, तो भी उसका भी प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। इसको आईवी रूट में भी दे सकते हैं, पर हम इसको इंट्रावीनसली दे रहे हैं, मतलब ट्यूमर में इंजेक्ट करेंगे। और इसका जो आप डोजेज निकालेंगे वो इसका ट्यूमर मेजर करके है, कुछ क्यूबिक सेंटीमीटर में देना होता है एरिया के हिसाब से। ठीक है, देखते हैं इसका क्या होता है, बिकॉज मैं तो इसको लाइक सीरियसली देखते देखते परेशान हो गया हूँ कि हम इसके लिए कुछ अभी कर नहीं पाए आज से। लेकिन इस पॉइंट से लेना पड़ेगा ना 3.5। ट्यूमर का एरिया नापा है, ट्यूमर का पार्ट उसको क्लीन कर दिया है, लेकिन इसके बाद हम इसकी शेविंग करेंगे। पहले आई बॉल अंदर इंसर्ट करेंगे हम कॉटन को, कुछ भी ताकि अगर बाय चांस के ट्यूमर को कुछ नटराज जा रही है। ये आई वी इसलिए क्योंकि इससे हमें दो फायदे होंगे, जब हम ये केमिकल जब इंजेक्ट करेंगे तो एनाफिलैक्टिक शॉक की वजह से इसकी डेथ भी हो सकती है, उस समय हमें आई वी एक फिक्स रखना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। प्लस वो जो शॉक वाली कंडीशन ना ही पहुँचे, इसलिए हम ये साथ में ड्रिप भी लगा रहे हैं। एनिमल्स जो है ना, लाइक ये इंसान गया तो रखा तो उसने हाई तौबा मचा रखी होती। एनिमल्स yes. थोड़ा ऐसे शांत रहते हैं तो लोग रियलाइज नहीं करते कि दर्द तो इन्हें भी होता है, पर वो उनका रिएक्शन हमारे से फ़र्क रहता है। ये तो नहीं लग रहा ठीक सर, नहीं बचा अभी, मॉर्निंग ट्रीटमेंट के बाद नहीं सर, डॉक्टर यहीं पर ट्रीटमेंट कर रहे थे ना दूसरे काफ का, तब फिर देखा तो चेस्ट कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था सर इसका। I'm sure अपन लोगों ने ट्राई किया, पर जैसे हम हीटर नहीं लगा सकते थे इसके लिए। जब धूप रहती है तब तो ये धूप में रहता है, उसके अलावा जब हम इसको शाम में भी अंदर रखते हैं ब्लोअर कुछ ही देर के लिए ऑन किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड था काफ़ी,
और ब्लोअर से डिहाइड्रेशन बढ़ती है ना। बिछाते भी इसके लिए ब्लैंकेट ही थे मोटा वाला ताकि गर्म रहे, लेकिन वेदर ही उतना ऊपर नीचे हो रहा है कि जब हमने इसका लास्ट ब्लड टेस्ट लिया था वो थोड़ा कमज़ोर होने लगा, तब इसके प्लेटलेट्स में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, बहुत ज़्यादा डाउन थे। काफ का वगैरह ये इसका क्या चल रहा है? बेटर है, सिर्फ सप्लीमेंट चल रहे हैं सारे और वुंड लगभग हील होने वाला है। जहाँ जाएगा वहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ काउज है जिसके साथ ये रहता है या? सर उतनी श्योरिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ इसकी माँ वहाँ पर है करके, तो हम इसको वापस वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। आई डोंट नो, इस केस में तो काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट है कि इसकी माँ वहाँ पे है, क्योंकि माँ वहाँ पे है तो हमारे को एक काइंड ऑफ बहाना मिल जाता है कि हम इसको वापस छोड़ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे इसको बड़ा राजसी ट्रीटमेंट मिलेगा, और तो नाम इसका राजकुमार है, माँ ना होती तो फिर हम नहीं छोड़ पाते, फिर नहीं छोड़ पाते। बहुत डिस्टेंस का भी है, और जैसा पहले मुझे बताया गया था कि आसपास में कुछ है ही नहीं ना खाने पीने के लिए, तब तो फिर कैसे छोड़ते हैं वहाँ पे। हमारी काउ सेंचुरी में तार लग रही है। मुझे नहीं लगता कि हम राजकुमार को रिलीज कर पाएंगे, तो मैं इससे अब अच्छी दोस्ती कर रहा हूँ, और उधर बाहर स्पॉट और चंबी मूली से अच्छी दोस्ती कर रहे हैं। धीरे धीरे ठीक है, तो खींचने के लिए तैयार रहना बस। ले आ मूली, मूली आ मूलिया, बस बैठ बैठ मूली बैठ, ले चल चेक कर ले जा, वो फ्रेंड बनानी है। नॉट नॉट इंटरेस्टेड, चल आगे। शाबाश, कोई भी देख कितनी सुंदर है, चल ऐसी लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें कहीं भी। तीनों भी तो ठीक है, पर का मूड खराब हो जाए इनका पता नहीं लगता। स्पोर्ट्स चंबी का तो जैसे शादी में फेरे लेते हैं वैसे ले रहे, पूरा फिर से। हाँ पूरा तो नहीं होगा, पर ये हार्ड ही होगा। वैसे हार्ड हो चुका है ना, हमने अच्छे से चेक कर लिया। हाँ हार्ड हो चुका है। फाइनली मेम साहब रिलीज हो रही है, तो गरों से हमारे पास आई थी और इसका खुर टूटा हुआ था जब ये आई थी, और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था जब हम उसको रेस्क्यू करने गए थे, तो पूरी स्ट्रीट पे ब्लड ब्लड हो रखा था, खुर भी काफ़ी टूट चुका था, लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हो चुकी है, जो खुर का नीचे वाला पोर्शन है वो हार्ड ऑलरेडी हो गया है, तो हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं। मीम साहब जो गई है, हमारे पास एक जगह खाली हुई है और अभी हमारी टीम रेस्क्यू लेने गई हुई है, जिसके बारे में हम आपको अगले अपडेट में बताएंगे।